पत्नी ने कहा घर बनाओ, पति ने थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, पत्नी का फोन आना बंद हो गया। झगड़े के बीच पति राजेश कुमार मंडल काम के सिलसिले में छत्तीसगढ़ चला गया। पति छत्तीसगढ़ से वापस गोड्डा लौटा, घर पहुंचा तो न बच्चियां थी न पत्नी। अपने स्तर से खोजबीन कर पति कह रहे हैं पत्नी को घर का मालिक ले गया। घरेलू विवाद में घर का मालिक भी हिस्सा बना। घर के मालिक पर इल्जाम है किरायेदार की पत्नी समेत बच्चियों को वो अपने साथ ले गया। पत्नी के साथ साथ घर के मालिक दीपक कुमार मंडल का भी फोन बंद आ रहा है। दो बच्चियों के साथ पत्नी की खोज में लगे पति अब व्याकुल हो रहे हैं। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने थाने जाने से पहले अपने स्तर पर पत्नी को खोजना चाहते हैं। मालूम वो घटना सिकटिया की है। पत्नी दो बच्चियों के साथ वहीं किराए की मकान पर रहती थी। अपना घर बनाने को लेकर पति से विवाद हुआ था, जिसके बाद से पत्नी और बच्चों का ठौर ठिकाना नहीं पता चल रहा। इसके साथ ही जिस मकान में पत्नी रहती थी उस घर के मालिक दीपक भी गायब है, जिससे शक की सुई दीपक पर जा रही है। घटना हुआ है, मेरा बीवी और बच्चे दोनों गायब हैं। कब से? हमको 15 तारीख को मालूम चला है, वो लोग 13 तारीख से गायब हैं। 13 तारीख से गायब है? हाँ। आपको 15 तारीख को पता चला? हाँ। आप कहाँ रहते हैं? हम बाहर रहते हैं। कहाँ? मैं रायपुर। तो आप वहाँ से आए हैं और आपको पता चला कि आपकी बीवी और बच्चे नहीं है? कितने दिन हो गए? नहीं मतलब जब घर में और भी तो लोग होंगे ना? घर में नहीं, यहाँ सिक्किया में जमीन बना रहे, घर बना रहे थे। अच्छा। किराए पे लेके रूम को घर मकान बना रहे थे, वो लोग किराए में था, किराएदार ही लेके जिस घर में किराए में रहते थे हम। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका है दीपक। पूरा नाम बताइए। दीपक कुमार मंडल। पिताजी का नाम? श्रीकांत मंडल। रहने वाले कहाँ के हम लोग? वो लोग बिहार के रहने वाले। बिहार के कहाँ? किनवाटिया। जहाँ पे रहते थे तो फिर आप इसका शिकायत किया थाना में? थाना में शिकायत नहीं किया, करने जा रहा हूँ। कौन सा थाना पड़ता है आपका? मेरा तो मोटिया थाना, यहाँ से घूम हुआ है ना, सिकटिया से घूम हुआ है, इसको मोटिया थाना में करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार। क्या मामला क्या था? मामला कुछ नहीं था, मामला ऐसे जैसे हम मकान बना रहे हैं, उसका कहना है कि मेरा मकान एक बार बना दो, मेरे पास उतना पैसे नहीं था। मैं उसने पूरा मेरे घर वाले ने पूरा प्रेस किया, प्रेस करने के बाद भी उसने जैसे नहीं होता है मुझे मकान चाहिए, जो मेरे पास पैसे नहीं है तो मकान कहाँ से दूँ, तो मैं उसको दो ठप्पी लगाया, ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है। आपकी बीवी बोल रही थी कि घर बना दो? हाँ, घर बना दो। ठीक है मेरे पास इतना पैसे नहीं है, बोले मैं बाद में बनाऊँगा। उसके बाद उसने मैं दो ठप्पी लगाया, उसने पिताजी को मम्मी को फ़ोन कर दिया, उसने रिएक्शन लिया कि वो वहाँ नहीं जाएगी। अच्छा, नहीं जाएगी तो मैं, फिर मेरा घर बना हुआ था 11 तारीख को, मैं बाहर चला गया, इसके बीच में लोग 13 तारीख गायब हो गए। गायब होने से मतलब क्या है? कोई लेके भाग गया है? भाग गया जो नहीं, मतलब जो लेके गया है उसका भी फोन नहीं लग रहा है, तो कोई गया ना, किसको पता करें। मतलब इसमें मतलब आपकी जो वाइफ है उनका कोई मिली भगत नहीं ना इसमें? मिली भगत है क्या है कभी पता नहीं चल रहा है, जब तो फोन नहीं लग रहा है। आप अपनी वाइफ के घर वालों से बात किए? हम किया तो उसको उल्टा हमको धमकी दे रहा है मारने की। क्या धमकी दे रहा है? कि तुमको उल्टा केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे, गुंडा किए हो। आपके घर में फिलहाल अभी कौन कौन है? आपके घर में फिलहाल कौन कौन है अभी? मेरे घर में कोई नहीं है, बच्चे भी गायब है, मैं अकेला हूँ, मैं अलग रहता हूँ। आपके माँ बाप? माँ बाप तो है, तो वो लोग अलग जगह रहते हैं? अलग जगह रहते हैं। अच्छा, गाँव में रहते हैं। आप काम क्या करते थे जहाँ रह रहे थे आप? मैं वहाँ टैल पत्थर का काम करता हूँ, मजदूरी। तो मतलब ये सब जो घटनाक्रम हुआ इसका आपको कोई अंदेशा नहीं? नहीं, कोई अंदेशा नहीं। अचानक से फोन नहीं लगने लगा तब जाके आप आए हैं? आए, अचानक से ब्लैक लिस्ट में मेरा नंबर चला गया। अच्छा, फोन लगता ही नहीं है? लगता नहीं।